अमेरिका में जब लोग अपनी ऑनलाइन कैब बुक करते हैं तो वो अपना ड्रॉप टाइम चेक करते हैं एंड चेक करते हैं कि कौन सी कैब हमें जल्दी पहुंचाएगी। और जापान में जब लोग अपनी ऑनलाइन कैब बुक करते हैं तो वो ड्रॉप टाइम और फेयर दोनों चेक करके फिर बुक करते हैं। और इंडिया में जब लोग कैब बुक करते हैं तो वो सारी कैब्स का फेयर चेक करते हैं और जो सबसे सस्ती वाली कैब होती है उसे बुक कर लेते हैं। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।